तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रुक 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 रुक, सुनो, चेंज मत कर। देखना यार, गाड़ी की एड आ रही है। क्या मस्त गाड़ी है, लगता है नई आई है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? मैं जब कमाऊंगा तो मेरा पहला व्हीकल ट्रैक्टर होगा। ट्रैक्टर? हाँ, बचपन से मैंने इतना पसंद है ना ट्रैक्टर कि मैं की गल बताऊं। तुमको पता है मैं तो बारात भी ट्रैक्टर पर लेके जाऊंगा। चल चल गोली, अभी इतनी भी कोई अच्छी गड्डी नहीं है, चेंज कर। अरे गड्डी को कौन देख रहा है, गाड़ी के बाजू में देखना, वो मिठाई की आड़ है। लट्टू का क्या फोटो है यार। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम लोग यहाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? चल गोली चल, चलते हम लोग। चल नौटंकी, मजा चल लगे। और सुनो, तुमने इस पेंसिल को डस्टबिन में क्यों फेंका? बाबा वो ये पेंसिल बहुत छोटी हो गई है तो लिखने में मुश्किल हो रही थी इसलिए। सोनू, जब मैं तुम्हारे जितना था ना तो इतनी सी पेंसिल में आधी बुक लिख देता था। उत्तर सब नखरे कि छोटी हो गई है पेंसिल, लिख नहीं सकते वगैरह वगैरह। अरे आराम से लिख सकते, मैं अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये देखो, लिखा ना मैंने इसी पेंसिल से। आहो, क्या छोटी सी पेंसिल के लिए परेशान हो रहे हो? माधवी, बात परेशान होने की नहीं है, लेकिन ये बेवजह का नुकसान मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अरे जब मैं स्टूडेंट था तब मैं पैसों की और पेंसिल की दोनों की कीमत करता था, आज भी करता हूँ। अरे हमारे जमाने में ये गोड़िया, हमारे जमाने की बातें सुन के बोर हो रहा है। अरे नहीं नहीं बिरंगल, जेन्युइनली मुझे उबासी आ गई, लेकिन आपकी हमारे जमाने की बात सुनने में मुझे बड़ा मजा आता। सॉरी सॉरी, वो आप पेंसिल का कुछ बोल रहे थे ना? हाँ हाँ सोनू, ऐसी छोटी छोटी पांच पेंसिल मिलती है ना तो एक बड़ी पेंसिल बन जाती है। जैसे एक एक पैसा बचत करने से बहुत बड़ी बचत बनती है वैसे। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी, सॉरी बाबा। सुनो बाड़ा, बात सॉरी की नहीं है, बात समझदारी की है। क्या है, बेवजह एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। आहो सगळं बरोबर आहे तुमचं, पर अभी छोटी सी पेंसिल के लिए आप क्या सुबह सुबह परेशान हो रहे हो? अरे परेशान तो होऊंगा ही ना माधवी, अभी देखो तुम क्या कर रही हो। मैंने क्या किया? अरे तुम छिलके से आलू छील रही हो तो देखो आलू कितना गया इसमें। आहो अब आलू की सब्जी खाने का मजा लीजिए ना, छिलकों पे क्यों ध्यान दे रहे आप? हाँ मेरे अंकल, सिर्फ खाने पे फोकस रखना चाहिए। गोया तुम भी ना अभी बीच में ना बोलने पे फोकस रखो। सॉरी बाबा, पर आई भी आपकी तरह एकदम परफेक्ट है। नहीं नहीं बाड़ा, ऐसा कहीं नहीं है, ये मुझसे ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन क्या है अहो, ये पतले छिलके वाले आलू है ना, तो ऐसे आलू के छिलके के साथ थोड़ा सा आलू जाता ही है वेस्ट। वही माधवी, वो भी नहीं जाना चाहिए। एक काम कीजिए, आप ही मुझे ये आलू छिलके दीजिए, परफेक्ट। क्या हुआ मेरे अंकल, डर गए? अरे माधवी आंटी आपको चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज। अब तो टैलेंट का जमाना है, छिले छिले आलू छिले। हाँ तो डरता हूँ क्या, बिल्कुल छिल सकता हूँ मैं। अरे हमारे जमाने में ना मैं मेरी आई को सब्जी काटने में मदद करता था। माधवी आलू छिलना भी ना एक कला है, कला। अभी आप देखेंगे कि पेंसिल से आलू कैसे छीले जाते हैं। दिखाइए मीडियम तक, दिखाइए दिखाइए। सॉरी बीड़े अंकल, आपके आलू के छिलके में आलू ज्यादा है। इतना ज्यादा आलू है कि इसको फ्राई करो तो फ्रेंच फ्राइज बन जाए। नाइस वाला। ए, हसो मत, ए
पहले ना बहुत पतली छुरी आती थी, अभी ये छुरी पतली नहीं है। नाश्ता यही ना अंगड़वाकड़े। क्या 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 माधुरी आंटी, इसका मतलब क्या होता है? बोला क्या करे से? नहीं नहीं सांगते ना, बड़ा उसका मतलब होता है नाश न जाने अंगन टेढ़ा। ये बस क्या विनय अंकल, आप हार गए इसलिए ऐसे छुरी का बहाना दे रहे हो? बहाना नहीं बना रहा हूँ गोगी, छुरी छुरी में फर्क होता है। कोई ऐसे पतली धार वाली तेज छुरी होती है, कोई छुरी मक्खन में तेज घूमती हो ना वैसे घूमती है, और कोई छुरी स्कूटर कैसे खड्डे में चलती है वैसे चलती है। उत्तरे बीड़ा अंकल, आप तो छुरी के ऊपर बुक लिख सकते हो। नहीं बीड़ा अंकल, आप छुरी के ऊपर बुक मत लिखिए, आप आलू छिलने पे बुक लिखिए। क्या तुम दोनों? बाबा ऑन अ सीरियस नोट, आपको बचत कैसे करें इस पर बुक लिखनी चाहिए। आपके बचत मंत्र अगर लोग अपनाएंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। हुआ है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तुम लोगों को पता है हमारे जमाने में मैं ऐसे टूथपेस्ट होती है ना, उस पे ऐसे बेलन घुमा के पूरी टूथपेस्ट को यूज करता था। हमारे जमाने में? वो तो आप आज के जमाने में भी करते हो। हाँ तो आप लोग भी करो बचत, क्योंकि आज के जमाने में बचत ही दूसरी कमाई है। करेंगे ओ, सब करेंगे। अभी मुझे आलू की सब्जी बनानी है, मैं आलू छीलू या आप पतली छुरी लाकर आलू छीलने वाले हैं? माधवी मैं तो कहता हूँ कि आलू की सब्जी है ना, छिलके के साथ ही खानी चाहिए। अरे हमारे जमाने में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओह आप लोग इधर ही है। गुड मॉर्निंग अब्दुल, बोलो कैसे आना हुआ? अरे भिड़े भाई, आज हम लोग ऑफिस में बैठ के सभी बिल के चेक बनाने वाले थे ना। अरे हाँ, अच्छा याद दिला अब्दुल, सुबह तक याद था मुझे, अभी भूल गया। कोई गल नहीं भिड़े अंकल, हम इंसान है, इंसान से भूलने की गलती हो जाती है। हाँ कभी कभी छिलके मोटे छिल जाते हैं। ये गोया क्या बोला था मैंने, बीच में ना बोलने पे फोकस करो। अरे भिड़े भाई जल्दी कीजिए, चेक बना दीजिए ताकि कल वक्त पे सबको चेक दे दे, है ना? नहीं तो क्या है ना, मैं बाद में बिजी हो जाऊंगा। क्यों, आज कुछ ज्यादा काम है दुकान में? नहीं नहीं, दुकान में तो रोज काम होता है, लेकिन आज सामान लेने के लिए मार्केट जाना है ना, तो आने में देरी हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, अभी के अभी सारे बिल क्लियर कर देते, अभी जाके चेक बनाता हूँ मैं। माधी मैं जरा ऑफिस जाके आता हूँ। हाँ चलो चलो चलो, चलिए चलिए। सॉरी अब्दुल, और थैंक यू तुमने याद दिला दिया। एक्चुअली याद था मुझे, लेकिन पता नहीं भूल कैसे गया। चलो अभी फटाफट सबके चेक बना देता हूँ। क्या है गोकुलम सोसाइटी की परंपरा है, सबको टाइम टू टाइम चेक मिलना ही चाहिए और परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। हाँ इसीलिए तो कहते हैं कि भिड़े भाई का काम एकदम परफेक्ट होता है, आज तक किसी को भी चेक एक दिन भी लेट नहीं मिला है। नहीं ऐसा नहीं अब्दुल, गोकुलधाम में सभी परफेक्ट है, सबके मेंटेनेंस के चेक मुझे टाइम टू टाइम मिल ही जाते हैं, सिवाय जेठालाल। दास जेठा भाई को स्कूल में आपके जैसे टीचर मिले होते तो जेठा भाई भी टाइम पे चेक देने में परफेक्ट होते। नहीं नहीं जरूरी नहीं अब्दुल, अगर जेठालाल को मेरे जैसा शिक्षक मिला भी होता ना तो भी जेठालाल ऐसे ही होता, बेशिस्त। ठीक है ना बेटा भाई, जेठा भाई को मैं याद दिला दूंगा। नहीं तुम जेठालाल को याद नहीं दिलाओगे। तो आप दिलाएंगे याद? नहीं उसको कोई याद नहीं दिलाएगा, देखता हूँ उसको इस बार मेंटेनेंस का चेक देना याद रहता है कि नहीं। अगर नहीं याद रहा ना तो इस बार जेठालाल को पेनल्टी नक्की। सेठ जी एक कुछ चेक साइन करके दीजिए ना। इसके इसके चेक बनाए आपने? एक टेम्पो वाले का है, एक लाइट बिल का है, ये हमारे पगार का है। वैसे नटू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करके आपको अच्छा तो लग रहा है ना? अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। वैसे एक बात कहूँ सेठ जी, मुझे बहुत कम जगह पे अच्छा लगता है। ओहो तो तुम नसीबदार है कि आपको गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ओ यस, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ कि आपके जैसे अच्छे सेठ जी मिले हैं, परिवार के सदस्य जैसा अपनापन मिला है। मेरे भरोसे पूरी दुकान छोड़ के जाते हो, इतना विश्वास पाया है। बस तो ये विश्वास कभी टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना। नहीं नहीं सेठ जी, सारे टीवी टूट जाएंगे, लेकिन मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वचन है। थैंक यू नोटू काका।
सेठ जी थोड़ा थैंक यू बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि नटू काका ने आपको पूछे बगैर एक ऐसा काम किया है जिसे सुनने के बाद आप नटू काका को सिर्फ थैंक यू नहीं गले लगा कर थैंक यू बोलोगे। अरे बागा मैंने कितनी बार बोला है मुझे पूछे बिना प्लीज कोई काम मत करो, मुझे टेंशन हो जाता है भाई। अरे नहीं 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 सेठ जी टेंशन मत लीजिए, नटू काका ने तो आपका टेंशन दूर हो जाए ऐसा काम किया है। क्या काम किया है ऐसा? कल पहली तारीख है हाँ। तो नटू काका ने आपकी सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक बना के रखा है। क्या? वाह नटू काका वाह। हाँ सेठ जी, आप हर महीने मेंटेनेंस का चेक लेट देते हो तो भिड़े भाई आपको ताना मारते हैं ना, इसीलिए मैंने चेक बना दिया। आपको किसने बताया भिड़े मुझे बार बार ताने मारता है? बागा ने। हाँ सेठ जी, ऐसा कोई आपको ताना मारे ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सेठ जी सॉरी टू आस्क, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप हर महीने मेंटेनेंस का चेक क्यों लेट देते हो? नहीं नहीं भाई, मैं जानबूझ के चेक लेट नहीं देता हूँ, भूल जाता हूँ। हर महीने? हाँ मतलब मैं हर बार नक्की करता हूँ कि नहीं इस बार तो मैं टाइम पे चेक दे दूंगा, लेकिन फिर पता नहीं भूल जाता हूँ। ऐसा होता है नटू काका, कई लोग अपने किसी खास का बर्थडे पूरा साल याद रखते हैं लेकिन बर्थडे वाले दिन ही उन्हें विश करना भूल जाते हैं। अभी आप बेफिक्र हो जाइए सेठ जी, अब से हर महीने की पहली तारीख को मेंटेनेंस का चेक मैं बना के दूंगा। वाह वाह थैंक यू नटू काका थैंक यू। वाह नटू काका वाह, मतलब अब तो भिड़े भाई सेठ जी को कभी ताना नहीं मार पाएंगे। ऑफ कोर्स, अब तो सेठ जी उनको ताना मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक कल सुबह होते ही भिड़े का घर जाके उसको दे दूंगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओम मित्राय नमो, अमरवाय नमो, सूर्याय नमो, भानवे नमो, खगाय नमो, पूषणे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमो, मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमो, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमो, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते। भिड़े तैयार हो जा दोस्त, आ रहा हूं तुझे चौंकाने। जी 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 बाबूजी। अरे भाई सुबह सुबह बालकनी में ऐसा क्या काम करके आए जो इतना सीना फुला के चल रहा है? किया नहीं है बाबूजी, अभी करूंगा। क्या? सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक मैं आज ही मतलब महीने की पहली तारीख को ही भिड़े के घर जाके भिड़े का मुंह पे उसके हाथ में दूंगा। इसमें बहादुरी का क्या काम हुआ? नहीं बहादुरी का कोई काम नहीं इसमें। तो तूने अभी ऐसा क्यों बोला कि बहादुरी का काम अभी किया नहीं है, अभी करूंगा? नहीं बहादुरी शब्द का प्रयोग मैंने तो किया ही नहीं बापूजी, होता आपने किया कि बालकनी से ऐसा क्या बहादुरी का काम करके आ रहा है जितना सीना फुला के चल रहा है। लेकिन उसके बाद तूने बोला ना कि काम अभी किया नहीं है अभी करूंगा, भले बहादुरी शब्द का प्रयोग तूने नहीं किया लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। बोल। सॉरी सॉरी ओके आई नो। और भाई तुझे क्या लगता है, है? कि मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देके तू भिंडी मास्टर पे उपकार कर रहा है? अरे तू भिंडी मास्टर पे उपकार नहीं कर रहा है, उल्टा भिंडी मास्टर पूरी सोसाइटी पे उपकार कर रहा है। ऐसे?
अरे एक भी पैसा लिए बिना पूरी सोसाइटी के सारे काम करता है वो। सोसाइटी की जिम्मेदारी उठाता है, सोसाइटी की चिंता करता है। बड़ा आया, बहादुरी का काम अभी किया नहीं है, अभी करूंगा। चल अभी खड़ा के जाके भिंडी मास्टर को चेक दे दे। अच्छा हो गया, नहीं मुझे लगा और कुछ बोलना बाकी है शायद। मैं जाता हूँ। जय जिनेंद्रा। हाँ जय जी। आज तो टाइम पे मेंटेनेंस का चेक देख के भिड़े के होश उड़ जाने वाले, मजा आएगा। बबीता जी का एक दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे, अय्यर भाई भी दिखाई नहीं दे रहे। कहीं बारिश के रोमांचक मौसम में अय्यर भाई बबीता जी को खंडाला लोना वाला तो लेके नहीं गए? नहीं नहीं जेठालाल, शुभ शुभ बोलो। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। तुम हमारा बालकनी की तरफ क्या देख रहा था? बालकनी? मैंने देखा तुम यहाँ खड़े रहकर मेरा बालकनी की ओर देख रहा था। क्या देख रहा था? नहीं नहीं वो तो मैं देख रहा था आपके वो कोई बारी वारी खुली तो नहीं रह गई? बारी? आ, खिड़की। अच्छा क्या बारिश का मौसम है ना, अगर खिड़की खुली रह गई हो तो बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है ना, इसके लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली अय्यर इन सब मैटर पे बहुत पर्टिकुलर है। घर से निकलने से पहले हमेशा विंडो, गैस, लाइट, हर चीज चेक करके निकलता है। आपका बटन खुला रह गया शर्ट का। नहीं ना होता होता, बड़ी बड़ी चीजें चेक करने में कभी कभी छोटी छोटी चीज रह जाती है। वैसे आप लोग इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? वो अय्यर को जरा एसिडिटी हुई है तो हम लोग हाथी भाई के पास जा रहे हैं। ले एसिडिटी होगी कैसे? वो क्या है कि पिछले कुछ दिनों से अय्यर रोज बाहर का खाना खा रहा है। अय्यर भाई बबीता जी घर पे इतना बढ़िया खाना बनाते हैं और आप बाहर खाना खाने जाते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली अय्यर का एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ है, उनको इंडियन फूड खाना बहुत पसंद है तो अय्यर को रोज उनके साथ लंच और डिनर पे बाहर जाना पड़ता है। कर्टसी के लिए उनके साथ खाना भी पड़ता है। हाँ नहीं नहीं बराबर है बराबर। ओके चलो बबी। जनरल तुम किधर आ रहे है? आपके साथ। तुमको भी एसिडिटी हुआ है? अरे नहीं भाई, मैं तो खाली एविंग तक आपके साथ आ रहा हूँ, तो मुझे भीड़े के घर पे जाना है। सुबह सुबह आत्माराम के घर पे क्यों जा रहा है? उसे चौंकाने। चौंकाने? हाँ वो क्या हर बार मुझे ताना मारते रहता है ना कि मैं मेंटेनेंस का चेक बहुत लेट देता हूँ, वो भी वो याद दिलाता है उसके बाद देता हूँ। आज क्या अभी पहली तारीख है, अभी मैं उसका टाइम पे चेक दूंगा, वो भी उसके बिना याद दिलाए तो चौंक जाएगा ना। अरे वाह जनरल, तुम तो सुधर गया। लेकिन इस महीने नहीं हर महीने इसी तरह सुधरे हुए रहना और पहला तारीख को आत्माराम को चेक दे देना। ये देखिए बबीता जी, कोई आदमी अगर अच्छा काम करने जा रहा हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए है? उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। ये ताना मार रहे। जयडलर मैं तुमको ताना नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारा तारीफ ही कर रहा हूँ। गुड जॉब। जॉब? मैं जॉब कहाँ से आया भाई, भूल गया क्या? मैं गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ, मैं जॉब वॉब नहीं करता, दूसरों को जॉब देता हूँ। अरे जयटालाल गुड जॉब मतलब तुम आत्माराम को पहला तारीख को चेक दे रहे हैं ना, तो ये अच्छा काम कर रहा है ऐसा मैं बोला। अच्छा अच्छा ऐसा। ओके ओके चलो बबीता। ओके दोस्तों, जिस तरह से सेंचुरी मारने के बाद एक बैट्समैन दर्शकों का अभिवादन लेता है, अपनी खुशी जाहिर करता है, ठीक उसी तरह से मेरा परम मित्र जेठालाल अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। और करे भी क्यों ना, आज महीने की पहली तारीख है और बिना भिड़े के कहे जेठालाल सामने से मेंटेनेंस का चेक लेकर उसके पास जा रहा है। जेठालाल की खुशी की कोई सीमा नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पथरीले रास्ते पर टायर पंचर होता ही है और जेठालाल की किस्मत ठीक उसी टायर के जैसी है, पंचर तो होनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि चेक लिखने में एक गलती हो गई और क्या उस गलती की वजह से
जेठालाल के चेहरे की खुशी गायब हो जाएगी। पर ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम आपके चेहरे की हंसी और खुशी गायब नहीं होने देंगे। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।